ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी कर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं।